फोसबेकी ने गत दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आसनसोल में विकास को लेकर एक बयान दिया था। फोसबेकी के प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत करते हुए कहा कि आसनसोल में विकास के लिए कोई जमीन नहीं है। साथ ही उन्होंने आसनसोल बाजार में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए नगर निगम से आवेदन किया था। इस पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आसनसोल बाजार इलाके में इस प्रकार की पार्किंग को बनाना संभव नहीं है। वहीं उद्योग के लिए जमीन के मुद्दे पर उन्होंने फोसबेकी को निगम में आकर बात करने का सुझाव दिया। आइए देखते हैं कि मेयर विधान उपाध्याय ने क्या कहा। ওটাকে কোথাও মানে আসানসোল আসানসোলের ভেতরে পার্কিং এর জন্য বড় স্পেস নেই যে যেখানে করা যেত। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যাতে সাইড করে কিছু ব্যবস্থা করা যায়, কারণ ওই জায়গাটা ওটা ওটা যে জায়গাটা ছিল ওটা হবে না ওখানে, কারণ গাড়ি যে ঢুকবে গাড়ি ঢুকে তো ওখান থেকে গাড়ি ঢুকে তারপর উপরে উঠবে আবার বেরোবে, ফলে তো ওখানে জ্যামটা রয়ে গেলাম।